हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश कोर का जो दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डेमो के रूप में देखे थे और आज से ये टॉपिक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से मिल लेंगे। और ये वीडियो सिर्फ वही देख सकता है जो बैच को परचेस किए हैं, चाहे वह फाउंडेशन कोर्स ऑफ आर्ट्स को बाय किए हैं या साइंस एंड कॉमर्स का जो एक सेपरेट सब बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ा जाएगा। अगर वो बैच को परचेस किए तो उन दोनों में कॉमन है, इंग्लिश कोर जो है आप लोगों का आर्ट्स और साइंस कॉमर्स तीनों का कॉमन है, एक ही बुक में आपको स्टडी करना है, कोई भी बुक अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो आज से आप लोग एक बात याद रखिए, आप लोगों को सप्ताह में दो दिन आप लोगों को इंग्लिश स्टडी कराए जाएंगे, ठीक है। सप्ताह में दो दिन इंग्लिश स्टडी कराए जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टडी करें कि कहानी के माध्यम से कोई भी स्टोरी को हम लोग जब समझ जाएंगे तो आप जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी आप इजीली से कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम लोग वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं मैं आप लोगों तक जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और जब भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊंगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, यही हमारा उम्मीद रहे कि 2010 से लेकर 2023 तक जो भी पेपर में पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक्स है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस करें लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग से 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग, हर एक क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें। इस वीडियो को तो सेंड नहीं कर सकते हैं, पर उन लोगों को इन्फॉर्म करें कि जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है यहाँ पे आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया गया है और जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन ले और क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। क्लास 11 में आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम दिए थे और आज आपको क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, वन लाइनर सभी क्वेश्चन को आपको देखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों तक कि मैं थ्योरी क्वेश्चन भी आप लोगों तक उस तरह से पहुंचा सकूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और हम लोग इंग्लिश कोर का सबसे जो बेहतरीन तरीके से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका सबसे पहले होगी टर्म वन में। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगी वह दो टर्म में होगी, एक टर्म वन में होगी, एक टर्म टू में। तो टर्म वन में जो जो आप लोगों का चैप्टर है इंग्लिश कोर का, जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक को हम लोग इस जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी आप लोगों का इंग्लिश में दोनों बुक मिला करके पोएट्री सेक्शन ले करके आपको 22 टॉपिक स्टडी करना है, यानी 22 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर 22 चैप्टर को अगर मैं आप लोगों को डिवाइड करूँ तो 11 चैप्टर होगी ऐसी जो आप लोगों को एमसीक्यू के, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 11 ऐसा चैप्टर होगा जो 11 चैप्टर में 11 टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को तो यही कोशिश करूंगा कि जल्दी से हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ट्यूशन कि आप लोग अच्छे से होंगे और हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करें और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, और जब आपका एग्ज़ाम होगी उससे पहले आप लोगों को 3 से 4 साल प्रीवियस क्वेश्चन करवाया जाएगा मॉडल सेक्शन के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूं वो आपका होगा क्लास 12 का इंग्लिश कोर का, याद रखिएगा 2024 के जो अभी हम लोग न्यू बैच स्टार्ट किए हैं इसका, मैं आपका इंग्लिश कोर का जो पहला टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या, द आप लोग डिस्कस किए थे द लास्ट लेसन। उन्होंने इसमें हम लोग बहुत अच्छे से देखें, कोई ऐसा बंदा है जो नहीं देखे तो यूट्यूब में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का चैप्टर 2 होगी जिसका नाम है क्या, याद रखिएगा लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है लॉस्ट स्प्रिंग, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस कहानी में, कहानी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में आप लोगों को दो स्टोरी देखने को मिलेंगे, यानी इस स्टोरी में दो कहानी आपको देखने को मिलेंगे। पहला कहानी का नाम है साहेब और दूसरा कहानी का नाम है मुकेश। तो आज हम लोग सबसे पहले साहेब के बारे में देखते हैं कि साहेब और लेखक किस तरह से रिलेशनशिप होकर ये कहानी को लिखे हैं और पूरे भारत में फैलाए हैं। सभी का सभी कंटेंट आज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, आप लोग को पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल कोई चिंता ना करें, आपको जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगी, यानी आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगी और अपलोड होते ही नीचे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। कभी कभी अगर वीडियो अपलोड ना हो सके तो आप लोग आपका जो सेक्शन है मैसेज चैट सेक्शन है उसमें चैट करें कि ये सब्जेक्ट का, ये टॉपिक का वीडियो अपलोड, सॉरी ये पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, तो टेक्निकल टीम आप ऑलरेडी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट एक्सप्लेन करेंगे यानी इस टॉपिक में। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दो टर्म में होगी, क्या होगी,
दो टर्म में, मैं आप लोगों को बताया था कि दो टर्म में आप लोगों का एग्जाम होगी, टर्म वन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और टर्म टू में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो जो टॉपिक है उसमें हम लोग सभी का सभी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो MCQ टाइप में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग जो भी चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर आपको बताएंगे, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो 40 में से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इजीली से ला सकते हैं। पर हाँ, शर्त है कि आपको जब भी वीडियो देखें समझ कर देखना है, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आपको थ्योरी सेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को देखते हैं। पहला टॉपिक का नाम क्या है, सॉरी सेकंड टॉपिक का, हम लोगों ने पहला टॉपिक डिस्कस किए थे और आज हम लोग देखें सेकंड टॉपिक लास्ट स्प्रिंग। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट स्प्रिंग क्या है, ठीक है। लास्ट स्प्रिंग का जो राइटर है वो क्या है, राइटर याद रखिए एनिस जंग, क्या है एनिस जंग राइटर है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में लेखक, याद रखिएगा। मैं आज दोनों ही वर्जन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका जो हिंदी मीडियम से है उनको भी तकलीफ ना हो, जो उर्दू जो इंग्लिश मीडियम से उनके भी उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं आज दोनों ही लैंग्वेज लेकर आया हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, ताकि आपको मैं समझा सकूं और आप समझकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइटर हमेशा पूछा जाता है कि लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है, तो एनिस जंग, याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन बताना है। द लॉस्ट लेसन, याद रखिए हम लोग डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में, द लॉस्ट लेसन का राइटर कौन है आपको कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। तो चलिए आज देखते हैं इस कहानी के सिलसिले में कि साहब जो थे वो क्या कहना चाहते थे। कहानी को ध्यान से समझें, बेहतरीन तरीके से देखें और एक एक बात को ध्यान से सुने, और आप लोगों को याद रखें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑथर से रिलेटेड होगी, यानी लेखक से रिलेटेड होगी। लेखक कहाँ से आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सभी प्रकार के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा आप लोगों का क्लास अब स्टार्ट है, आप लोग आंख बंद करके स्टडी करें। आप लोगों को याद रखिएगा शाम को 7:30 बजे और सुबह को 7 बजे आप लोगों का क्लास हर दिन चलेगी, चाहे वो संडे हो या मंडे, ठीक है। तो चलिए कह रहे हैं क्या, द ऑथर कम्स अक्रॉस साहेब एवरी मॉर्निंग, ए पुअर रेग पिकर वी लेफ्ट हिज होम इन ढाका ए लॉन्ग टाइम एगो, एवरी डे ही कम्स टू फाइंड गोल्ड इन देयर इन थ्री, याद रखिएगा क्या लिखा है थ्री, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा रिश्वत, यहाँ पे देयर होगा देयर हैप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड। वन डे द ऑथर आस्क साहेब वाई ही डज दैट, साहेब मटर्स, याद रखिएगा साहेब मटर्स दैट ही हैज नथिंग इलस टू डू। ये आपका कहानी का एक छोटा सा मैं समरी लेकर आया हूँ, जहाँ पे दोस्तों कहानी तो बहुत बड़ा है, कहानी को स्टडी करेंगे तो आप क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्लास 12 में हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 22 टॉपिक आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो आप 5 टॉपिक लिए हैं तो सोचिए आपको कितना क्लास करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी का समरी लेकर आया हूँ, यानी इस टॉपिक के सिलसिले में इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मैं वो लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं सारांश हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं इसको समरी। तो क्या कहना चाह रहे थे लेखक, चलिए देखते हैं, कह रहे कि लेखक, याद रखिएगा कह रहे हैं क्या, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, कह रहे लेखक हर सुबह साहेब के पास आता है, जो लेखक है कौन, एनिस जंग, याद रखिएगा बार बार मैं आप जब भी राइटर के बारे में बोलूं यानी इस टॉपिक में, तो आपको याद होना चाहिए क्या एनिस जंग के बारे में बोल रहे हैं। लेखक हर सुबह साहेब के पास आता है, कौन, एनिस जंग आता है, एक गरीब रेग पिकर, यानी रेग पिकर का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा कूड़ा दान में जो कूड़ा उठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रेग पिकर, जो कूड़ा दान में कूड़ा उठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेग पिकर, जो बहुत समय पहले ढाका में अपना घर छोड़ गया था। एक साहब है, एक कहानी में एक लेखक है, वो साहब से कहता है क्या, समझिएगा, सुबह साहब के पास आता है लेखक जो है, सुबह के समय लेखक जो है क्या करते हैं, साहब के पास आते हैं, एक गरीब रेग पिकर जो बहुत समय पहले ढाका में अपना घर छोड़ गया था, और एक बहुत ही गरीब था, कौन, साहब, जो कहाँ से आया था, ढाका से अपना घर को छोड़ आया था, ढाका से छोड़ आया था, याद रखिएगा। वह रोज पड़ोसी में कूड़े के ढेर आता है, याद रखिएगा कूड़े के ढेर को वो क्या करता है, उठाता है, याद रखिएगा वो कूड़े के जो दान है, कूड़ेदान हम लोग जहाँ पे कूड़े जिससे हम लोग बोलते हैं डस्टबिन, वहाँ पे कूड़े को उठाते हैं, और क्या कहते हैं आगे समझिएगा। एक दिन लेखक साहब से पूछता है,
एक दिन ऐसा दिन आया है जब लेखक जो जब लेखक साहेब से पूछता है, जब एनएस जंग जो है वह साहेब से पूछते हैं क्या कि वह ऐसा क्यों करता है, वह पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप कूड़ेदान को क्यों उठाते हैं, क्या बात है आपके पास, क्या क्या रीज़न है जिसके कारण से आप सुबह के समय कूड़ेदान पर जाते हैं और कूड़े उठाते हैं। तो कहते हैं क्या समझिएगा ऐसा क्यों करता है। साहेब बुलबुलाते हैं कि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। साहेब कहते हैं कि लेखक जी, एनएस जंग जी, मैं क्या करूं, मेरे पास और कुछ करने का जगह और नहीं है, मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। मुझे आगे दिखिएगा क्या लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक छोटे से बच्चों की कहानी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं, इसीलिए इस कहानी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। द ऑथर, आगे देखेंगे हम लोग, द ऑथर आस्क हिम अवे ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही रिप्लाइज, रिप्लाइज करते हैं कौन, याद रखिएगा साहेब, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन द ऑथर आस्क विल ही गो टू स्कूल इफ सी ओपेंस वन, ही रिप्लाइज विद एक्सटिमाइंट यस विल, आफ्टर सम टाइम व्हेन साहेब मीट्स द ऑथर ही आस्क हर इज योर स्कूल रेडी, सो देयर ऑथर से नो एंड फील्स सॉरी बिकॉज ही हैज गिवन फेल्स ऑफ टू द बॉय। एक आपका फिर से एक छोटा सा समरी है, चलिए समरी में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, तो चलिए हम लोग देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक उससे पूछता है किससे, साहेब से, साहब तो बोला है, साहब तो कह दिया पहले ही कि हमें इसके अलावा और कोई चीज़ करने का मेरे पास और कोई आइडिया भी नहीं है और नहीं इसके अलावा मेरे पास और कोई काम है, जिसी कारण मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ और कूड़ेदान पे कूड़े उठाता हूँ, यही साहब कहते हैं। आगे कहते हैं क्या लेखक उससे पूछता है, जब लेखक ने पूछा क्या इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, बोला नहीं मेरे पास तो और कोई काम नहीं है। कहता है क्या लेखक उससे पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, लेखक पूछता है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो क्या कहते हैं साहब समझिएगा, वह जवाब देता है मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। जब लेखक पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो कहते हैं साहब जी कि साहब जी मैं स्कूल जाना तो चाहता हूं पर मेरे पड़ोस में, मेरे घर के आसपास में कोई भी स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, याद रखिएगा। जब लेखक पूछता है क्या वह स्कूल जाएगा, वो कहते हैं कि क्या वह स्कूल जाएगा, यदि वह एक खोलती है, वह उत्साह के साथ उत्तर देता है हाँ मैं रेडी हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा। अगर कहीं स्कूल अगर खोलते हैं आप, अगर कहीं भी लेखक को कहते हैं कि कहीं भी अगर आप स्कूल खोल देते हैं तो मैं इजीली से स्कूल जा सकता हूँ, तो आप स्कूल खोले, तो कहता है कि हाँ मैं खोलूँगा, और कहता है कि हाँ मैं स्कूल खोल दूँगा। कुछ समय बाद जब साहेब लेखक से मिलते हैं, कुछ दिन बाद जब गुजर गए हैं, साहब से वादा किया है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में कहीं भी स्कूल नहीं है, मुझे स्कूल जाना तो चाहिए लेकिन मेरा अड़ोस पड़ोस में कहीं भी स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो लेखक कहते हैं क्या मैं जब स्कूल बना दूंगा तो आप स्कूल जाएंगे, तो कहते हैं कि हाँ मैं स्कूल जाऊँगा। आगे क्या लिखते हैं, कुछ दिन बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद जब साहेब, याद रखिएगा, लेखक से मिलते हैं, तो कहते हैं कुछ समय बाद जब साहेब लेखक से मिलते हैं तो वह उससे पूछता है क्या आप स्कूल तैयार है, आपका स्कूल तैयार है। जब कुछ समय बाद लेखक जो है वह क्या करते हैं, जब कुछ समय बाद लेखक, जब याद रखिएगा आपका जो साहेब है वह लेखक से जब मिलते हैं तो कहते हैं क्या आप स्कूल, आपका स्कूल तैयार है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या कहते हैं, अगर समझिए मेरे इस बात को। तो लेखक ना कहता है और लेखक कहता है नहीं भाई मैं तो स्कूल नहीं बनाया हूँ, मैं तो स्कूल नहीं खोला हूँ। वह शर्म, उसका उनका शर्म के मारे सर झुक जाते हैं, क्या कहते हैं, और लेखक खेद महसूस करता है, और लेखक जो है एनएस जंग जो है खेद महसूस करता है, यानी बहुत दुख होता है, उफ मैंने तो इनको बताया था कि मैं स्कूल खोलूँगा, आप स्कूल जाएंगे, मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे आपने पूछा कि आप स्कूल खोलें तो मैंने जैसे कहा ना, तो मुझे बहुत खेद महसूस हुआ, मुझे बहुत सारा दुख महसूस हुआ, क्योंकि उसने लड़की को झूठी आशा दिया था, क्योंकि वो जो लड़के थे जो साहब के साथ थे उनको झूठी आशा दिए थे। इसलिए स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक छोटा सा समरी है, फिर हम लोग समरी को देखते हैं कि ही यूज्ड टू वांडर बारफुट वन डे व्हेन द ऑथर्स आस्क हिम व्हाई ही डज नॉट वेयर द शूज,
He replied that his mother has placed his shoes on the Almirah and याद रखिए अलमीरा मतलब अलमीरा होता है and she will give those shoes to him on a special occasion. क्या है special occasion. आगे देखते हैं क्या लिखते हैं लेखक तो बोलते हैं क्या तो समझिए इस बात को. वह नंगे पांव घूमता है जो साहब है वह क्या कहता है कि मैं नंगे पांव घूमता हूँ. एक दिन जब लेखक ने उससे पूछा कि वह जूता क्यों नहीं पहनता है एक दिन जब लेखक पूछते हैं साहब से क्या वह लेखक वह जूता क्यों नहीं पहनता है तो जवाब देता है क्या समझिएगा तो उसने जवाब दिया कि उसकी माँ ने उसके जूते अलमारी पर रख दिया है. कहते हैं कि वह जूता साहब लेखक कहते हैं कि वह जूता क्यों नहीं पहनता है तो कहता है कि उसकी माँ ने एक अच्छे अलमारी पर रख दिए हैं. वह जूता उसे एक विशेष अवसर पर देगी और उसकी माँ कहती है कि इसके ये जो जूता मैंने रखा है ये जूता एक विशेष अवसर पे मैं उसको प्रोवाइड करूँगा प्रदान करूँगा उसको हमें उनको एक गिफ्ट के तौर पे मैं उनको दूँगा. याद रखिएगा आगे देखते हैं आगे लिखा है क्या याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सेंटेंस को समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है. यही सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये सब क्वेश्चन अगर आप इजीली से कर सकते हैं ये सब समझ जाते हैं तो इजीली से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कैसे भी आए आपको पता चल जाएगा ठीक है. सीमापुरी हैज 10,000 अदर सुलूस रेग पिकर लाइक साहेब दे लिव ऑन द आउटर एज ऑफ दिल्ली इन हट मेड ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड तारंपुलिन इन द एब्सेंस ऑफ स्वैग ड्रैगन्स एंड ड्रिंकिंग वाटर दे आर इक्वेटर एंड हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 दे हैव बीन लिविंग इन सीमापुरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट आइडेंटिटी कार्ड ऑफ परमिट बट विथ राशन कार्ड देन गेट ग्रेन्स आफ्टर ऑल फूड्स इन मोर इम्पॉर्टेंस फॉर सर्वल देन द आइडेंटिटी वेर एवर देन फाइंड फूड देन पिच एंड देयर टेंस एंड स्टार्ट टू लाइक देयर आफ्टर ग्रोइंग अप टू द चिल्ड्रेन बिकम पेरेंट्स इन सर्वल इन सीमापुरी सर्वल मीन्स रेग पिकर थ्रो दैट आगे देखते हैं क्या लिखा है आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि थ्रो दैट द इयर्स रेग पिकर हैज बिकम ए फाइन आर्ट गार्बेज टू देम इज गोल्ड इट इज देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर द हेड्स. आगे देखते हैं स्टूडेंट कि ये कहानी क्या कहना चाहते हैं इस कहानी को समझें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस कहानी को अगर समझ जाते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हो या ना हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं क्योंकि डिशन में आपको जो अगला वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा वो आपका होगा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो 2010 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं. इसमें जो भी टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में सभी का सभी प्रकार के मैं क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा. आगे लिखते हैं सीमापुरी में साहब जैसे 10,000 याद रखिएगा सीमापुरी कहाँ पे दिल्ली में सीमापुरी में 10,000 ऐसे व्यक्ति है साहब जैसा याद रखिएगा आए सुलेश कूड़े बिनने वाले हैं साहब जैसे ही साहब जो कूड़ेदान पे कूड़ा उठाते हैं सुबह सुबह तो इसी तरह से 10,000 कूड़ेदान में कूड़ा बिनने वाले हैं कहाँ पे सीमापुरी में ठीक है. वे दिल्ली के बाहरी किनारे पर मिट्टी से बनी झोपड़ी में सीवेज जल निकासी और पानी अभाव में टीन और तिरपाल की छतों के साथ रहते हैं और जो आपका जो ये है जो कूड़ेदान में कूड़े बिनते हैं उनके रहने के लिए क्या है न छत है सही से ना अच्छा मकान है वो क्या करते हैं जहाँ भी जाते हैं तिरपाल गाड़ कर वो अपना शरण ले लेते हैं और क्या कहते हैं कि जल निकासी के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं है पानी अभाव में टीन और तिरपाल के छतों के साथ रहते हैं. वे लोग जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे ये जो आपका 10,000 जो व्यक्ति है ये वो लोग हैं जो याद रखिएगा 1971 से बांग्लादेश में आए थे वो लोग हैं यहाँ पे.
आगे लिखते हैं, वे सीमापुरी में 30 साल से अधिक समय से बिना पहचान पत्र या परमिट के रह रहे हैं और कहते हैं कि जब 1971 में जब बांग्लादेश से विभाजन हो जाने के बाद जब बांग्लादेश से वो वापस आए थे कहाँ पे सीमापुरी में जब रहने लगे तो 30 साल के बाद भी उसके पास कोई परमिट रूल नहीं था, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था, राशन कार्ड। आगे देखिएगा, उसके पास क्या था, राशन कार्ड। याद रखिएगा, 30 साल से अधिक समय से बिना पहचान पत्र या परमिट के रह रहे हैं लेकिन राशन कार्ड के साथ उन्हें अनाज मिलता है। लेकिन वो तो रह रहे हैं, उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो है राशन कार्ड है। क्यों? क्योंकि पहचान पत्र से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राशन कार्ड, और राशन कार्ड से वो भोजन यापन कर सकते हैं, क्योंकि पहचान से ज़्यादा, याद रखिएगा, पहचान से ज़्यादा भोजन जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात, उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता है वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, और जो भी याद रखिएगा राइस पिकर है, कौन राइस पिकर किसे हम बोलते हैं, जो कूड़ा दान में कूड़े बीनते हैं, कहते हैं कि जब भी उन कूड़ेदान वाले कहीं भी जाते हैं तो वो उनको जहाँ भी भोजन मिल जाते हैं वहीं जाके वो शरण ले लेते हैं, यही कहता है, याद रखिएगा, वहीं रहने लगते हैं। बड़े होने के बाद बच्चे अस्तित्व में भागीदारी बन जाते हैं। अब जैसे जैसे आप तो उनको भी शादीशुदा होगी, साहिब का भी होगी, जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े बड़े होते हैं तो वह भागीदारी के अस्तित्व में आ जाते हैं। सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है चीर फाड़ करना। अगर आप रहना चाहते हैं सीमापुरी में तो इसका अर्थ होता है क्या कि चीर फाड़ करना, ठीक है। वर्षों से कूड़ा बीनना एक अच्छी कला बन गई है, और कई वर्षों से अगर 30 साल से हम कंटिन्यू कोई काम करें तो कितना मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों का कितना एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से वो क्या करते हैं कि 30 साल से बोल रहे हैं कि हम लोग कूड़े बीच रहे हैं, कूड़ेदान में कूड़ा बीन रहे हैं, और हम लोग इतना काफ़ी ज़्यादा हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया है। उनके लिए कचरा सोना है, और उनके लिए जो कचरा क्या है, सोना है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है वही, और इंसान को जो भी काम होती है उनके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उनके लिए वो क्या है, बहुत अच्छे काम है। वो कूड़े को क्या कहते हैं, कूड़ेदान से जब कूड़े निकालते बोलते कभी नहीं बोलते कि वो कूड़ा है, वो कहता है ये तो सोना है। आगे लिखते हैं, यह उनकी दैनिक रोटी और उनके सिर पर छत है, और कहते हैं कि अगर वो कूड़ेदान पे कूड़े जाकर ना उठाएं तो उनको, अगर वो घर को चलाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, कूड़ेदान में जाकर कूड़ा निकाल कर उसके बेच कर, और आपको क्या करना है, आपका घर का राशन पाती लाना है। इसीलिए कहते हैं उनकी दैनिक रोटी और उनके सिर पर छत है, क्या कचरा जो है वो क्या है, याद रखिएगा, रैग पिकर का उनकी दैनिक रोटी और उनका छत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखता है कि समटाइम्स साहेब फाइंड अ रुपीस। अब जो साहेब है कुछ समय के लिए वो पैसा ढूंढते हैं वहाँ पे, और इवन एट 10 रुपीस नॉट, ये सब एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं कि क्या देख रहे थे, 10 रुपीस, याद रखिएगा, 1 10 रुपीस नॉट इन द गार्बेज हैप देन देयर इज द होप ऑफ फील्डिंग मोर द फोर इल्डर्स गार्बेज इन ए मीन्स ऑफ सर्वल बट फॉर चिल्ड्रन इट ही इट इज वार्पेड इन वंडर बिकॉज देन डज नॉट नाउ दैट वाट दे वुड फाइंड दिस टाइम इज द गार्बेज। याद रखिएगा क्या फाइंड कर रहे थे, तो इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, वो क्या फाइंड कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना जी आप लोग, चलिए समझ में आ रहा था एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि मुझे भी तो पता चले ना, सिर्फ मैं चिल्ला रहा हूँ या आप लोग को भी समझ में आ रहा है। अब इसमें दो प्रकार के आपको कहानी पढ़ना है, जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें दो प्रकार की कहानी है, ठीक है, एक आपका साहेब के बारे में, एक रिलेशन है किसका, राइटर ऑथर और साहेब के बारे में, और एक अगला जो आपका इसी में आपका जो अगला जो स्टोरी होगी वो आपका मुकेश और होगी किसका, ऑथर का यानी लेखक का। तो आपको समझ में आ रहा है यानी हमको बताइए जल्दी, ठीक है। कभी कभी साहब को कूड़े के ढेर में 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और कभी कभी जब वो कूड़ा निकालते हैं तो वो क्या कहते हैं, साहब कहते हैं लेखक से कि कभी कभी जब हम कूड़ा निकालते हैं ना तो मुझे 1 रुपया या 10 रुपया का नोट मिल जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि साहब को कूड़ेदान में कितना रुपया मिले थे, ऑप्शन रहेगा 1, ऑप्शन रहेगा 10, ऑप्शन रहेगा दोनों, एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है 1 रुपया से 10 रुपया के बीच में मिल जाते हैं।
फिर वह कुछ और मिलने की उम्मीद है। और साहब कहते हैं कि अच्छा, मुझे एक रुपया दस रुपया मिला है और मुझे कुछ मिलने की उम्मीद है। हम लोग भी जब बचपन में थे, कहीं भी कूड़ेदान फेंकते थे ना, तो हम लोग जाकर जब वहाँ पे देखते थे तो हम लोग को मिलता था पेंसिल, कलर। हम लोग बचपन में किए हैं इस तरह से, तो हमें कलर मिलते थे, पेंसिल मिलता था, रबड़ मिलते थे और छिलने वाले भी मिल जाते थे। और वहाँ पे हम लोग यही सोचते कि और कुछ बेहतर चीज़ मिले, और कुछ बेहतर चीज़ मिले। मतलब लालच इंसान को लगा रहता है ना, और लालच बुरी बला है। बड़ों याद रखिएगा, फिर वह कुछ और मिलने की उम्मीद है। बड़ों के लिए कचरा तो जीने का जरिया है। बड़ों के लिए बिल्कुल कचरा क्या है, उनको यूज किए डस्टबिन में डाल दिए, यूज किए डस्टबिन में डाल दिए, लेकिन डस्टबिन में जो डाले हैं और जब रैग पिकर वहाँ से उठा रहे हैं, रैग पिकर जब उठा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, सोना है। क्यों? क्योंकि वो उसी से वह खाना पीना का भरण पोषण करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों के लिए यह आजूबों में लिपटा हुआ है, आजूबों में लिपटा हुआ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस बार कचरे में क्या मिलेगी, और उन्हें नहीं पता है कि इस बार कचरे में क्या मिलेगी। इस बार तो हमें एक रुपये से दस रुपया मिला, एक रुपये या दस रुपये का नोट मिला, लेकिन मैं उम्मीद लगाया हूँ कि अगले बार मुझे क्या मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि वन विंटर मॉर्निंग इन द ऑथर से साहेब स्टैंडिंग बाय द फर्स्ट गेट ऑफ ए क्लब एंड वाचिंग टू प्लेयर्स प्लेइंग टेनिस। द प्लेयर्स वेर वार्निंग वाइट ड्रेस, साहेब वाज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज दैट वेर लुकिंग स्ट्रेंज ऑन हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। वन ऑफ द शूज हैज ए हॉल्स बट फॉर ऑन हैव ऑल वॉक फॉर फिट इवन द शूज विथ ए हॉल्स वेर ए ड्रीम कम ट्रू। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं साहेब, साहेब क्या कहते हैं लेखक से, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कहते हैं कि एक सर्दी की सुबह लेखक ने देखा, एक जब सर्दी की सुबह ठंडी के जब दिन है तो लेखक देखा क्या, समझिएगा। एक सर्दी की सुबह लेखक ने देखा कि साहेब, याद रखिएगा जो साहेब है क्या देखते हैं, लेखक ने देखा कि साहेब एक क्लब के बड़े वाले गेट के पास खड़े हैं, और साहेब देखते हैं, लेखक देखते हैं कि एक ठंडा के दिन है और साहेब को जहाँ पे एक क्लब है वहाँ के जो गेट है, क्लब का जो बड़ा सा गेट होता है, वहाँ पे साहेब जाकर इस तरह से बिल्कुल खड़े हैं। वह साहेब से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, समझिएगा, इस तरह से खड़े हैं, पास खड़े हैं, और दो खिलाड़ी को टेनिस, याद रखिएगा टेनिस खेलते हुए देख रहे हैं। और जब साहेब खड़े थे इस तरह करके, तो वह देख रहे हैं दो खिलाड़ी है जो टेनिस खेल रहे हैं, याद रखिएगा। आप लोग बताना है, आप लोगों को कमेंट करके, टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, इसी तरह से आपको बताना है कि आप लोगों का जो टेनिस है ये पूरे विश्व में किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए मुझे भी पता चला आप लोग जीके कितने स्ट्रांग है। दो खिलाड़ी टेनिस खेल रहे हैं, खिलाड़ी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और जो खिलाड़ी है वो सफ़ेद कपड़े पहनकर खेल रहे थे, याद रखिएगा पहनना या थोड़ा सा मिसप्रिंट है। साहब ने फेंके हुए टेनिस जूते पहने हुए थे, और साहब ने जो वो लोग वाइट कलर का जो पहनते हैं वो फेंक दिए थे, वाइट कलर का शूज़, वाइट कलर का शूज़ मतलब जूता, वाइट कलर का जूता, वाइट कलर का जो ट्रोज़र है, आपका जो शर्ट है, टी शर्ट है, फेंक दिए थे। तो साहब क्या करते हैं, उन सब उठाते हैं और पहन लेते हैं। कहाँ पे पहन लेते हैं, अपने बॉडी पे पहन लेते हैं, जूता को भी पहन लेते हैं, ट्रोज़र को भी पहन लेते हैं, और टी शर्ट को भी पहन लेते हैं, और इस तरह से खड़े होकर दो खिलाड़ी को देख रहे थे कि वो वाइट कलर का पहनकर, वाइट कलर का शूज़ पहनकर, वाइट कलर का ट्रोज़र पहनकर, वाइट कलर का टी शर्ट पहनकर वो लोग टेनिस खेल रहे थे, जो उनकी फीकी कपड़ी शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब लग रहे थे। और वह कोई भी कपड़ा फेंकता कब, जब पूरा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जब यूज़ करने के बाद जो वो पहन लेते हैं तो अजीब दिख रहा था, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा उड़ा हुआ है, किस तरह अजीब दिख रहे हैं हम। आगे देखते हैं, जूते में ऐसे एक में छेद होता है, और दोनों जूता जो था जब वो पैर पे पहने तो दोनों जूता में से एक जूता में क्या हुआ था, छेद हो गया था। और जूता छेद हो जाने के कारण कहते हैं, अरे कोई बात नहीं है, नांगे पैर से तो अच्छा है कि हम जूता पर तो पहन सकूँ ना। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है, कहते हैं कि जूता में से एक में छेद होता है, लेकिन जो नंगे पैर चलता है उसके लिए छेद वाला जूता भी एक सपने के सच होने जैसा था। बिल्कुल सही बात, जो कभी भी जूता पहना नहीं, जो जिंदगी भर नंगे पैर चलता है, जिंदगी भर जीवन भर जो नंगे पैर चलता है, उसको अगर एक फटा हुआ जूता भी मिल जाता है तो उनके लिए एक सपनों का ढेर ढेर है, याद रखिएगा, ठीक है। एक कहानी कह है कह रहा है, आगे देखते हैं, आगे लिखता है, आगे लेखक कहता है क्या, बहुत रोचक वाली कहानी है, बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट ये कहानी,
क्योंकि इससे इस कहानी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से 2-2 मार्क्स को कलेक्ट करके आपको किसी भी तरह से 40 मार्क्स लाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर से साहेब स्टैंडिंग बाय द फैंस, ये हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है क्या, नेक्स्ट टाइम व्हेन द ऑथर मीट साहेब, याद रखिएगा अगली बार जब साहेब से मिलता है क्या कहता है समझिए, नेक्स्ट टाइम व्हेन द ऑथर मीट साहेब ही वाज ऑन हिज अवे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड वाज ए स्टील कंसिस्टेंट हैज ही स्टार्ट टू वर्क इन ए टी स्टील ही वाज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स बट now his face had lost more that careful look and he was not looking happy working at the tea stall because he was no longer his own master। आगे देखते हैं कहानी क्या कहना चाहते हैं। कहानी कहते हैं क्या कि अगली बार जब लेखक साहब से मिले, जब अगली बार फिर से जब कुछ दिन के बाद साहब जो है लेखक से मिले वह दूध बूथ की ओर जा रहे थे। आप साहब जो है वो दूध बूथ की ओर जा रहे थे, चाय की दुकान पर काम करने के दौरान उनके हाथ में स्टील का कनस्तर था। अब वो जो साहब थे वो कहता है कि मुझे ना अब काम करने की आवश्यकता पड़ गई इसलिए मैं चाय की दुकान पे काम कर रहा हूँ। वो कनस्तर लेकर जब जा रहे थे तो साहब उनको देखे, उसे 8,000 रुपया और उसके पास सारे भोजन का भुगतान किया गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह लापरवाह नजर आ गई थी और वह चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं दिख रहा था क्योंकि वह अब खुद का मालिक नहीं रहा। जब लेखक जब देखते हैं कि साहेब कनस्तर लेकर जब वह चाय लेकर जब जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, किसी को चाय दे रहे थे, तो लेखक देखते हैं कि उस जब उनको हम देखते थे कूड़े कचड़े। कहानी को समझे इस बात को, ठीक है, कहानी को समझ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसीलिए बिना स्किप किए देखेंगे। जैसे कनस्तर लेकर इधर उधर में चाय दे रहे थे तो लेखक सोचते हैं कि जब मैं इसको कूड़ेदान उठाने के लिए देखता था जब, तो उनके चेहरों पर कितना मुस्कुराहट रहता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इतना बेहतर काम कर रहे हैं, चाय की दुकान पर काम कर रहे हैं, उससे तो बेहतर है ना, कूड़े कचरे उठाने से बेहतर तो काम क्या है, चाय की दुकान पे काम करना। भले मैं 800 रुपया मिलते हैं, पूरे साल पूरे महीना का खाना पीना मिलते हैं, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ ना कि कूड़े उठाने से बेहतर है कि चाय की दुकान पे काम करना। लेकिन लेखक देखते हैं क्या, उसकी मुस्कुराहट जो है पहले से याद रखे मुरझा गया है। अब लेखक सोचते हैं कि क्यों, तो कहता है साहब कि देखिए मैं कहता हूँ यही कि मैं जब इसके दुकान पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसका गुलाम बन गया हूँ। गुलाम मतलब होता है कि उसी का अंडर पे रहना, गुलाम बन गया हूँ। लेकिन एक दिन था जब मैं कूड़ेदान उठाता था और उस समय में उसका मालिक खुद था। याद रखिएगा, सही बात बोल रहे हैं। और आप लोग एक कहानी सुने होंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी, कि दूसरे के मकान पे जाकर, याद रखिएगा, लेबर गिरी करने से बेहतर है कि अपने मकान पे रहकर राजगिरी करें, ठीक है। तो वो क्या कहता है आगे कि मुझे थोड़ा सा भी ठीक नहीं लग रहा है। ये कहानी कह रहे हैं कौन, साहब कह रहे थे कि मैं इंसान को हमेशा थोड़ा ही कोई भी काम करे और अपने मालिक बनना चाहिए, दूसरे की दुकान पे नौकर बनने से बेहतर है कि अपने दुकान पर अपने काम पर छोटा सा ही काम करें हम लोग, लेकिन हम लोग जब भी काम करेंगे वो काम हम लोग का मालिक बनना चाहिए, नौकर नहीं, ठीक है। याद रखिएगा ट्यूशन, ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे साहेब साहेब, ठीक है। साहेब के पास ये कहाँ से आए थे, सीमापुरी, भी आपको सीमापुरी याद रखिएगा, सीमापुरी। ये सीमापुरी कहाँ पे थे, दिल्ली में। हम लोग ये सब डिस्कस किए अभी हम लोग जस्ट, ठीक है। इसमें दो कहानी है आप लोगों का, एक कहानी में लेखक और साहेब, अगला जो कहानी होगी वो आपका कहानी होगी लेखक और मुकेश। मुकेश भी बांग्लादेश से आए थे, मुकेश क्या बनना चाहते रहे थे, ये सब जो हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अगला जो आपका स्टोरी होगी, स्टोरी नंबर 2 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका होगा, याद रखिएगा क्या, लेखक और प्लस मुकेश। हम लोग अगला वीडियो में लेखक और मुकेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पूरे बुक का जो चार पाँच पेज जो बुक है, यानी कोई भी चैप्टर का 4-5 पेज तो जरूर होगा, क्या उस बुक में वैसे बस एक ही वीडियो में कहानी ख़त्म। ए मेरे भाई, आप थोड़ा सा बताइए, आपको क्या चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है, नहीं ना,
आपको इंजीनियर बनना है, नहीं ना आपको क्या करना है, अभी क्लास 12 में आपको ध्यान देना है, ताकि क्लास 12 के बाद तो आपको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, आपकी मोटो है, आपको तो बनना है। मैं यही करता हूँ कि आपको अभी क्लास 12 में, तो क्लास 12 में है तो क्लास 12 का स्टडी करें, और क्लास 12 में आपको वो चीज़ स्टडी करना है जिसमें आपको अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। ये कहानी जो है, मैं आप लोगों को कहानी आपको, हाँ चलिए आप थोड़ा मैं हिस्ट्री के लिए चलता हूँ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको मैं खोखोर कर बताने वाला हूँ, खोद कर बताने वाला, क्यों, क्योंकि हिस्ट्री आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी, बहुत ज़्यादा आपको, आपको जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे SSC रेलवे बैंकिंग, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। एक कहानी है, एक कहानी में आपको क्या करना, उसे मैंने कहानी समझाऊँ, 4-5 का जो निचोड़ जो समरी होता है, यानी कहानी का मेन मुद्दा क्या होता है, मैं आपको अगर वो बताऊँ तो क्या बुराई भाई बताइए। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कहानी का जो इम्पॉर्टेंट लाइन बनेंगे, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस वाक्य बनेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों को वही सेंटेंस आप लोगों को तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जा रहा है तो सोचिएगा आप मैंने आपको क्या कहा, याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आप या तो थ्योरी सेक्शन नहीं देखें, या मैं आपको बेहतरीन तरह से थ्योरी सेक्शन को नहीं बता सकूँ। चलिए बच्चों, हम लोग अगला जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो अगला इसी स्टोरी का, किसी स्टोरी का, तो याद रखिएगा लॉस्ट स्पिन का ही सेकंड आपका जो स्टोरी है वो है मुकेश, और याद रखिएगा ऑथर। तो हम लोग अगला वीडियो में इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम लोग अभी डिस्कस किए थे साहेब और ऑथर्स के बारे में। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।